जो भी हमने टेबल किया उसको ओपन करके रखो, और उसके बाद क्वेश्चन है इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, बोलो क्लोज्ड एट वन एंड की क्लोज्ड एट टू एंड। टू एंड तो केस ही नहीं होता, वन एंड होता है, क्योंकि पाइप या तो एक एंड क्लोज है एक एंड ओपन है या दोनों एंड ओपन है। दोनों एंड क्लोज करोगे तो साउंड कैसे जाएगी, ठीक है? तो पाइप जब बोला जाता है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इसका मतलब क्लोज एट वन एंड ओपन एट अदर एंड। तो आप टेबल ओपन करें उसमें सेंटर वाला जो केस है वो देखें। तो इसमें क्या गिवन है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 है, तो टेबल चेक करें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई फोर एल। तो वी बाई फोर एल कितना है, 50 है, तो यहां से वी बाई एल आ जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन। अब देखो ढूंढो सेकेंड ओवरटोन का मतलब एन इज इक्वल टू कौन सा केस है, 3। टेबल चेक करो, तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 5 × ν₁। चेक करो सेकेंड ओवरटोन में 5 × ν₁, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें, वी बाई फोर एल। तो ऑब्वियसली वी बाई एल हम निकाल चुके हैं यहाँ से, कितना 200, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे आंसर। फॉर्मूला तो देखना है टेबल से, और करना क्या है, समझ में आ रहा है करना क्या है इसमें। जैसे इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, सेम केस है, फंडामेंटल नोट, नोट का मतलब फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्स। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल 50 है। द नोट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी एमिटेड बाई इट। एक बात बताओ, पाइप क्लोज एट वन एंड ओपन एट अदर एंड है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 है, सेकेंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 × 50, नेक्स्ट क्या होगी, 5 × 50, नेक्स्ट क्या होगी, 7 × 50, क्या नहीं प्रेजेंट होगा, 100। 2 × 50 नहीं होगा, क्योंकि इसमें इवन हार्मोनिक होते ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी एबसेंट होगी, ये मार्क करनी है, ठीक है यहां तक? तो इसमें 50 भी होगी, 3 × 50 भी होगी, पर 2 × 50 नहीं हो सकती। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। थर्ड हार्मोनिक चेक कर लो कहां मिलेगा टेबल में, तो 3 × ν₁ में, 3 × ν₁ का मतलब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, एन की वैल्यू 2 है। इक्वल टू विच ओवरटोन, चेक करो कौन सा ओवरटोन आ रहा है, ये आंसर गलत है, सही करो, बोलो क्या लिखेंगे, टेबल चेक करो, थर्ड हार्मोनिक यही होती है ना, तो इसके अंदर पहली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F1, कब, जब एन की वैल्यू 1 है, जब एन की वैल्यू 2 है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 3 × F1। थर्ड हार्मोनिक की बात कर रहे हैं, ओवरटोन कौन सा बनेगा, जो भी एन की वैल्यू है उसमें से 1 कम कर दो, ओवरटोन आ जाता है। अगर एन की वैल्यू 2 है तो ओवरटोन क्या बनेगा, फर्स्ट। तो यहां पर क्या आएगा, फर्स्ट ओवरटोन लिख लेना है, करेक्शन, फर्स्ट ओवरटोन शीट नंबर 188 में है ये। समझ में आ रहा है कि सारी गेम ही टेबल की है, जिसको टेबल आता है मैच करता रहेगा, आंसर आता रहेगा, बोला था न्यूमेरिकल ज्यादा भी इसके ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट है फंडामेंटल नोट प्रोड्यूस्ड बाय क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज एफ। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब सेंटर वाला केस है, क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड, फंडामेंटल का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाय फोर एल। तो आंसर क्या गिवन है, एफ, फर्स्ट केस। अब कह रहे हैं फंडामेंटल नोट ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन का मतलब ओपन एट बोथ एंड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये बताओ, फॉर्मूला क्या होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, व्हेन पाइप इज ओपन एट बोथ एंड, वी बाय टू एल। तो यहां से वी बाय एल निकालो, यहां पुट कर दो, आंसर क्या आएगा, 2 × F आंसर। तो दोनों के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले याद है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है एक सिलेंड्रिकल ओपन ट्यूब है और ओपन एट बोथ दी एंड है, दोनों एंड ओपन है इसके दोनों तरफ से, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 256 है। तो जब पाइप दोनों एंड से ओपन है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई टूवेल्व, कितना है? कितना होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी बाई टूवेल्व है, जो कि कितना है, 256 है, वी बाई निकाल लिया, इसको ऐसे रोक लो। ट्यूब इज डिप्ड इन वर्टिकली इन वाटर, ट्यूब को आधा पानी में डुबो दिया। अब पानी में डुबो के वो कह रहे हैं कि अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दी एयर कॉलम इन ट्यूब विल बी इन फर्स्ट रेजोनेंस। फर्स्ट रेजोनेंस का मतलब पहली फंडामेंट, पहली फ्रीक्वेंसी का मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो अब प्रॉब्लम क्या है, नीचे पानी है, अब ये पाइप ओपन एट वन एंड हो गई और क्लोज एट सेकेंड एंड, पानी ने क्लोज कर दिया, तो इसकी लेंथ क्या होगी, यहां पर एल की जगह एल बाय टू। अब पाइप ओपन एट वन एंड क्लोज एट अदर एंड में फॉर्मूला क्या होगा, वी बाय फोर एल, नहीं एल नहीं, एल की जगह एल बाय टू।
तो 2 और 4 कैंसिल, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये करने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या बनेगा, v by again 2l, पर v by 2l ऑलरेडी हमारे पास है कितना, 256 आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट, स्ट्रिंग इन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, लेंथ गिवन है, एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 800। अब स्ट्रिंग वाला केस है, स्ट्रिंग की फंडामेंटल फॉर्मूला होता क्या है, वी बाई टूएल, और वी को क्या पुट कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, तो ये क्या गिवन है, 800। क्वेश्चन है कि जब फ्रीक्वेंसी 1000 हो जाएगी तो लेंथ क्या होगी, तो आप सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी 1000, तो लेंथ आपको निकालनी है, टेंशन एंड म्यू रिमेनिंग सेम, डिवाइड कर लेना, एल डैश आ जाएगा, ठीक। तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, समझ में आ रहा है, स्ट्रिंग टाइट एट बोथ एंड का, ठीक।